वेलकम बैक इन CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हम हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए बहुत सारे एजुकेशनल एंड स्टडी वीडियोज लाता रहूँ, बहुत सारे एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स और एजुकेशनल मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमने CBSE में पूछे गए साइंस पेपर का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है। जो क्वेश्चन शॉर्ट पूछे गए हैं उसको वहीं पे समझा दिया गया, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग पूछे गए हैं उसको अलग से बोर्ड पे कॉपी पे कंप्लीट किया गया है फुल एनालिटिक रूप में, जिससे कि स्टूडेंट उसे देख के काफी अपने आप को फील कर सके कि चलो मैंने सही किया या मैंने गलत किया। एक चीज़ और, अगर कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर होती है तो आप लोग बिल्कुल ये करेंगे, हमारा काम स्टूडेंट्स की सहायता करना है, स्टूडेंट्स की उत्सुकता को थोड़ा कम करना है, सो डैट आप लोग भी समझे इस बात को। चलिए आइए तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये फुल एनालिटिक सॉल्यूशन साइंस का वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास 10th के CBSE एग्जामिनेशन में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन सेट के अकॉर्डिंग नंबर्स अलग हो सकते हैं, बट आप अपना क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जिस नंबर में भी होगा आप जाके फिर उसका आंसर मिला लेंगे। चलिए आइए तो हम बिल्कुल इसका एनालिटिक सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है, इसमें वायलेट और वाइट फ्लावर का जो पी प्लांट का जो फ्लावर है उसको जब मर्ज किया जाता है, जब ब्रीडिंग करवाया जाता है, तो ये जो F1 हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑकरेंस होगा उसका कलर कैसा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल वायलेट बनेगा, ये वायलेट कलर का होगा, सो डेट हमारा इसमें राइट आंसर वायलेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक चीज़ जो एक्सपेरिमेंट बड़ा अगर एक्सपेरिमेंट देना होगा किसी का, तो मैं आपको बोर्ड पर भी ले चलूँगा और वहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा, तो हमारे साथ लास्ट में बने रहें। फर्स्ट का ये जो आंसर बना वो बना वायलेट इन कलर F1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्सन जो है जो कैसा होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को डैम्प बना के रोका जाता है, डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डैट हमारा जो राइट आंसर होगा वो इस तरह से होगा, काइनेटिक टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू काइनेटिक। बट आपने अगर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया हो या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया हो तो डोंट बी टेंस, आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो ही जाएगा। सो डैट इसमें जो अगर इतना लिखे होंगे काइनेटिक टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू काइनेटिक, या फिर डायरेक्ट आपने ऐसे लिखा होगा काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, या फिर आपने डायरेक्ट काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल कर दिया होगा तो वो भी सही हो ही जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बाई एक्स ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व ए कलरलेस गैस जेड, आइडेंटिफाई एक्स बाई जेड, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन बाई एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। सो डैट आइए अब हम इसके लिए बोर्ड पर चलते हैं। इसमें एक्स बाई जेड का मैं पहचान कर देता हूँ और बहुत सारा इसमें जो आपका इक्वेशन बनना है वो सारा का सारा क्लियर करता हूँ। चलिए तो बोर्ड पर जरा चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस होना था वो एक्स जो सब्सटेंस है वो एथेनॉल है, और एथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से जब यहाँ पे रिएक्ट करवाया जाता है 443 केल्विन पे, तो हमारा ये जो कंपाउंड जिसके बारे में पूछ रहा था वो बनेगा C2। यहाँ पे एक और चीज़ है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बाई से लेना देना है, तो C2H4 यहाँ इथीन बना है बाई, तो डैट हमारा जो सब्सटेंस एक्स है वो इथेनॉल है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है वो हमारा इथीन है C2H4, और जब इसे सोडियम से रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पे हमारा एक सब्सटेंस बनता है C2H5ONA, जिसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सो डैट हमारा जो कंपाउंड जेड है वो है C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ऐसा ह्यूमन में एक ऐसे आप नाम लिखे
गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का एंड ओलफैक्टरी रिसेप्टर का। तो इसमें टंग होगा और इसमें होगा नोज। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो होता है वो टेस्ट टेस्ट के लिए होता है। तो टेस्ट के लिए हमारे शरीर में जो है, जो ऑर्गन है वो है टंग, और ओलफैक्टरी डेट मीन्स की स्मेल के लिए। तो स्मेल के लिए हमारे शरीर में जो ऑर्गन है वो नोज है। सो डैट इसमें वही दोनों ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, जो डेंड्राइन जो हमारा होता है न्यूरॉन, यहाँ जो न्यूरॉन में जो सूचना का प्रवाह होता है, यानी कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो डेंड्राइन से एक्सन्स में और एक्सन्स से न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स तक जाता है। डेंड्राइन से एक्सन्स, एक्सन्स से न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स, और फिर चला जाता है ये इंड ऑफ न्यूट्रो न्यूरॉन में, और फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में फ्लो करता है। तो इसी तरह से ये काम होता है, डेंड्राइन टू एक्सन्स, एक्सन्स टू न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड देन इंड ऑफ न्यूरॉन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए, लेवल डायग्राम तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मुझे आप लोगों ने बनाया ही होगा। कोई भी आप एक जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, आप क्लियर ही होंगे, क्योंकि हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट जो बनता है वो बनता है कॉन्वेक्स मिरर से, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी में साइड मिरर के, व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड फिगर बनाता है। सो डैट कि ये जो हमारा आंसर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और उसके बाद का जो पार्ट है उसमें आपको एक ड्रॉ करना था। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही होता है, दो पोजीशन, एक होता है इन्फिनाइट पे और एक होता है इन्फिनाइट और पोल के बीच, तो दोनों में से कोई भी एक अगर आपने बनाया होगा तो वो बिल्कुल आपका राइट जाएगा और आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने के लिए कह रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए थ्री टाइप्स का होता है, हीट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो अपना आंसर को आपको सपोर्ट करने के लिए तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना था। चलिए, तो मैंने दिया है, आप अगर डिफरेंट एग्जाम्पल भी आपने दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आइए। तो मैं सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स देता हूँ, बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है हीट से, और यहाँ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अगर आपने कोई और भी एग्जांपल दिए हो तो वो बिल्कुल सही होगा, अगर वो हीट डिकम्पोजिशन है। उसी तरह से यहाँ पर लाइट डिकम्पोजिशन है एंड फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन है। सो डैट आप यहाँ पर रोक के इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई और डिफरेंट ऑप्शन भी दिया हो सो डैट आप कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ, या फिर आप नेट से खोज ले कि मैंने जो लिखा है वो मेरा सही है या नहीं, या बुक से खोज ले। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि एक जो मतलब इसका जो मैं फाइनल बता देना चाहता हूँ कि इसको सोप सॉल्यूशन में डालेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिंक का इसमें कुछ डाला गया है, कुछ यहाँ पे है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेज ऑफ, यहाँ देखिए जिंक मेटल का डाला गया। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो हमारा बनेगा गैस वो बनेगा हाइड्रोजन। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप बिल्कुल अपना लैंग्वेज बना के लिखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये गैस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो उसमें था कि आप कैंडल एक जला के और गैस के पास ले जाएंगे, वो एक बम्बलिंग यानी फटफट की आवाज़ के साथ वो जलता है। सो डैट यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन वो होगा। फिर नेम द गैस विच इज इन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इसी को सोप सॉल्यूशन में डाल के और हाइड्रोजन गैस निकाला जाता है। फिर डिटेक्ट आप कैसे करोगे, तो आप कैंडल ले जाओगे। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन है और में इसको भी हम देख लेते हैं कि किसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्पी और टेस्टी बनाने में पकौड़ाज को, जो जिसका pH वैल्यू 14 है। तो इसमें बेकिंग पाउडर होगा इसका आंसर, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर का दो और यूजेज, तो बेकरी में, फिर आप केक बनाने में, सॉफ्ट करने में, ब्रेड्स वगैरह को, केक वगैरह बनाने में, फिर मतलब चीज़ों को क्रिस्पी और सॉफ्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो टू यूजेज इसका लिख देंगे। फिर ये कैसे बनता है, ये आप इसका एक बिल्कुल सिंपल एक सॉल्यूशन है, बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो इसका आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपने बुक में देख लिया आपको सिंपल ही मिल जाएगा कि इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन होगा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए डोनेट करना या 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एब्जॉर्ब करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होती कि वो 4-4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सके या फिर अडॉप्ट कर सके। सो डैट ये क्या करते हैं, ये एक शेयरिंग बनाते हैं, शेयरिंग यानी कोवेलेंट बाउंड। और कोवेलेंट बाउंड जो होता है वो चारों का चारों इलेक्ट्रॉन्स उसमें फंस जाते हैं, यानी कि साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। सो डैट कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। सो डैट यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये जो हमारा आंसर होगा वो इस तरह से आप बना सकते थे, या फिर आपने मेरे इस बताए हुए आंसर के सिमिलर लिखा है तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। कि इसमें जो होगा वो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, कार्बन हैज 4 वैलेंसी एंड इट मेक्स ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स कंपाउंड्स एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो डैट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर अगर आपने दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन ए रिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सैचुरेटेड बोल रहा है और रिंग बोल रहा है। सो डैट यहाँ पे हम साइक्लो एल्केन लेंगे। आइए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मैं उसमें आपको पूरी तरह से इसको डिफाइन करके बी नंबर देखता हूँ। चलिए बोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे 8 का बी क्लियर किया गया है। इसमें आप कुछ भी आंसर दे सकते थे, साइक्लोप्रोपेन दे सकते थे, आप साइक्लोब्यूटेन दे सकते थे, साइक्लोपेंटेन दे सकते थे, एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टेप्स से आप दे सकते थे, साइक्लोहेक्सेन दे सकते थे, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेक्टेन, इसी तरह से पूरा आप साइक्लो तक ले जा सकते थे, जहाँ भी आगे आपको ले जाना है। बट ये तीनों मोर पॉपुलर है, साइक्लोहेक्सेन भी आता है मोर पॉपुलर में, बट ये तीनों सबसे ज़्यादा आंसर किया होगा आपने। अब इसमें है कि कितने ज़्यादा इसमें बाउंड से, कितने बाउंड से, तो ये आप गिन लें, तो आप इसको ऐसे करके गिन भी सकते हो कि कितना सा बाउंड होगा इसमें। बट मैं आपको एक सिंपल बता देना चाहता हूँ, साइक्लोप्रोपेन में 9, प्रोपेन यानी 3, सीधे तिगुना बाउंड होगा उसमें, एक कार्बन का 3 बनता है। सो डैट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का 9 बाउंड अगर आपने लिखा है तो सही है, ब्यूटेन का 12, पेंटेन का आपने 15 लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। उसी तरह से आप अगर साइक्लोहेक्सेन बनाया होगा आपने तो आप 18 लिखे होंगे तो बिल्कुल सही होगा, साइक्लोहेप्टेन बनाया होगा तो 21 लिखा होगा तो सही होगा। चलिए आइए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायराइड ग्लैंड जो हमारा है वो कौन सा हार्मोन निकालता है। तो भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, और फिर उसका फंक्शन भी पूछ रहा है कि क्या फंक्शन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम जो होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अब आइए, ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 2 टाइप होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर में बहुत सारे इसमें हार्मोन्स ये सेक्रेट करता है, ACTH, TSH, FSH, LH, GH, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। अब आपने कौन से हार्मोन लिखे हैं आप वो हार्मोन देख ले जाके, और उसका क्या फंक्शन आपने लिखा है वो आप जाके मिला लें। फिर ये हमारा जो पैनक्रिस है ये भी बहुत सारा हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है इंसुलिन। इंसुलिन का काम आप जानते ही, हमारे ब्लड में जो शुगर का जो बैलेंसिंग है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोजेन टाइप के भी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स निकालता है। तो आपने क्या लिखा है, बट मोर पॉपुलर इंसुलिन है, सो डैट इंसुलिन मैंने यहाँ लिखा है। और आपने अगर कुछ और लिखा है तो आप देख ले कि क्या लिखा है और उसका क्या फंक्शन बन सकता है, सो डैट इसमें निकलने वाले हार्मोन्स एंड उसके फंक्शंस के बारे में क्लियर करना था। सो डैट मैंने किया जो भी मुझे बना, और आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो तो आप फिर देख ले कि आपने क्या लिखा है और उसका क्या फंक्शन बन पा रहा है। बट आपने उस टाइप से आंसर किया होगा तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें एक ही होता है, एक ही में मतलब दोनों सिस्टम पाया जाता है। और ये जो हमारा सेक्सुअल मोड है, इसमें फीमेल चाहिए मेल चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है, इसको आप कर सकते हैं। असेक्सुअल में सिंगल होता है, सिंगल में ही दोनों सिस्टम पाया जाता है, मेल एंड फीमेल।
और पूरा जो सेक्स का काम होता है वो बिल्कुल एक ही स्पीसीज में क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है कि सेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग होता है। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि कौन सा ज़्यादा सर्वाइवल है, कौन सा ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पीसीज में कौन सा मोर सर्वाइवल होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेक्सुअल वाला जो स्पीसीज होगा वो ज़्यादा, सेक्सुअल वाला जो हमारा होगा स्पीसीज वो ज़्यादा सरवाइव करेगा, बिकॉज उसमें जो मेल और फीमेल अलग होने के कारण उसमें जो बनता है, जो न्यूअंस हमारे आते हैं, जो चाइल्ड फॉर्म होता है, जो हमारा न्यूअंस आता है वो ज़्यादा ये सर्वाइवल होता है, क्योंकि उसमें अलग टाइप से ब्लड बनते हैं, अलग टाइप से सारी चीज़ें के लिए सेक्रेट उसका प्रोसेस है। सो डैट इसको इस तरह से अगर आपने लिखा है कि मेल और फीमेल अलग होने की वजह से फिर उसको पूरा पूरा तरह से मिल पाता है पोषण, पूरा तरह से वो न्यूट्रिएंट हो पाते हैं। तो अगर इस टाइप के आपने इंक्लूड किया है कि ज़्यादा सर्वाइवल सेक्सुअल है, सो डैट आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जस्टिफाई करने के लिए आप वो जो मैंने अभी बताया वो आप अगर आपने डाला है या फिर कुछ डिफरेंट टाइप से इसी टाइप से मिलता जुलता डाला है तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार ये तो बिल्कुल ईजी है। आइए मैं थोड़ा इंग्लिश पे ले चलता हूँ। तो यहाँ जो हमारा है वो है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉज बिल्कुल ईजी है, ये दोनों डिफिनेशन है, इसको आप जाके बुक में देख लो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अंदर का नहीं है। हाँ ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा है, पावर ऑफ लेंस, ये जो हमारा इनवर्स होता है जब आप उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जब आप फोकल लेंथ को, यानी द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंसेज, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। फिर एक स्टूडेंट है जो 40 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर का ये जो यूज कर रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन ज़्यादा पावरफुल है, और नेचर भी लिखना है। ये देखिए ये जो आपका है वो है कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका है कॉन्केव लेंस। नेचर मैंने क्लियर कर दिया, इसमें मोर पावरफुल है ये वाला -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको जब आप पलटेंगे, इन्वर्स करेंगे जब इसका आप, तो आपको शायद 2.5 मिले, लेकिन जब आप इसको पलटेंगे तो इसका 5 डायोप्टर मिलेगा। सो डैट ये मोर पावरफुल है, ये हो गया आपका कॉन्केव, और ये 40 सेंटीमीटर वाला आपका हो गया कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 9 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस को आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपको 13.5 ओम और 6 ओम का ये मिल जाएगा। चलिए आइए, तो मैं इसके लिए बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ कि किस तरह से ये सही होगा। चलिए आइए, तो यहाँ पे जो हमारा है ये देखिए जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 9 ओम का है। अब 13.5 ओम आप कैसे इसमें फाइंड करेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप दो रेजिस्टेंसेस को आप सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इन दोनों पैरेलल कम्बिनेशंस को आप एक 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कम्बिनेशन में कर लेंगे। कैसे तो मैं बताता हूँ, 1/9, 1/9, 2/9, जब इसको पलटेंगे तो ये 4.5 ओम देगा, और 4.5 ओम का जब सीरीज कम्बिनेशन में आप करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ऐड होके ये आपको दे देगा 13.5। सो डैट इसमें हमारा जो आंसर होता है उसमें ये होता है कि फर्स्ट वी हैव कनेक्टेड टू रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कम्बिनेशन, एंड देन द कम्बिनेशन विल कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन विद द थर्ड रेजिस्टेंस। सो डैट यहाँ पे जो हमारा फाइंड होगा वो होगा 13.5। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ओम आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो 6 ओम फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 को सीरीज कम्बिनेशन में करेंगे, और फिर इन दोनों सीरीज कम्बिनेशंस को हम 9 ओम के एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में डालेंगे। तो क्या होगा, 9 ओम 9 ओम ये हमारा देगा 18 ओम, और जब 18 ओम को 9 ओम के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में डाला जाएगा तो ये पलट जाएगा, 1/18 प्लस 1/9, और ये 3/18 दे देगा। फिर जब हमको फाइनल निकालना होगा तो 18 ऊपर और 3 नीचे, तो ये कट होके हमको 6 ओम दे देगा। सो डेट अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप बुक में जाके कर ले, जूल्स लॉ जो हमारा है वो आप ये कर सकते हैं। और ओहो ये तो मैंने छोड़ दिया है अभी, ये तो बनाया ही नहीं है। चलिए आइए, इसके लिए आप कमेंट में आ जाएंगे, मैं इसका आंसर दे दूंगा। अगर आपने और वाला बनाया हो ये तो बुक से आप कर लो, क्या है जूल्स लॉ, ये बुक में ही आपको सिंपली मिल जाएगा। और ये नीचे वाला है वो कमेंट बॉक्स में आ जाओ, मैं इसका आंसर करके कमेंट में कर दूंगा। और जो लोग हैं वो कमेंट करने से पहले देख लेंगे कि इसका कमेंट में आंसर दिया गया है कि नहीं। ऐसे होता क्या है, सेम क्वेश्चन के लिए कमेंट कर रहे हैं, सर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, मैं आंसर करते करते थक जाता हूँ। एक बार देख लेंगे कि इसका कमेंट कर दिया गया है तो फिर वहां से आप आंसर ले लोगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा जो है वो है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किस चीज पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पर, कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के टेम्परेचर पर, कंडक्टर के टेम्परेचर का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और एक और चौथी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस लिया गया, जो कंडक्टर लिया गया, उसका नेचर कैसा है, कैसा कंडक्टर लिया गया, उस पर भी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरस ग्लास इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम इसका रीजन करेंगे, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्लास क्या है, ग्लास जो हमारा है वो है एक ग्लास को, इसको एक्सट्रीमली कोल्ड शायद बोला जाता है, ग्लास को एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड, सो डैट ये लिक्विड होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ऐसे हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक मिनट, ग्लास जो है इज ए बैड कंडक्टर ऑफ, तो ग्लास को क्यों बैड कंडक्टर बोला गया है, बिकॉज ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, सो डैट मेटल गुड कंडक्टर है। ग्लास जो है जो हमारा एक इंसुलेटर है, ग्लास जो है जो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वायर अलाउज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम क्यों एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, उसका रीजन देना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एलॉयज होते हैं जिसको हिंदी में मिश्र धातु भी बोला जाता है, जैसे नाइक्रोम देख ले, तो जो एलॉयज होते हैं उसका जो कैपेसिटी होता है, यानी कि गर्म करने का जो कैपेसिटी होता है, वो प्योर मेटल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम का हीटिंग कैपेसिटी कॉपर के हीटिंग कैपेसिटी से लगभग 60 times ज़्यादा होता है। सो डैट इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में जो है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है एलॉय का, अगर आपने इस टाइप के आंसर लिखे हों तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये जो 14 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप 14 नंबर देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप 15 नंबर देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके मेरिट पर डिपेंडेंट हैं। इसका बहुत टाइप से आंसर बन सकता है, और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद नहीं कर पाएंगे तो आप किसका आंसर कर पाएंगे। ये तो खुद है अपना, आपको एक सेंस पे क्वेश्चन दिया गया है, सो डैट इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें। आइए, और जो क्वेश्चन है मैं उसका सोल्यूशन बिल्कुल दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ये जो हमारा है कि ये क्वेश्चन था कि डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव ये क्यों इसको सपोर्ट किया, कि मतलब इसका एक एक आपको लिखना है एडवांटेज और एक एक आपको लिमिट लिखना है। तो लिमिट में तो सबका, डोबेराइनर का क्या था कि उसने तीन तीन लिया था इस टाइप से और फिर बीच में छोड़ दिया था उसका लिमिट। न्यूलैंड का क्या था, उसने आठ 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 करके ऐसे लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीच बीच में एक एक में दो दो का डाल दिया था न्यूलैंड ने, तो ये उसका लिमिट था। मेंडलीव ने क्या गलती की थी, तो मेंडलीव में मोलर मास यानी एटॉमिक मास को बेस माना था, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, लिमिट थी। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है कि डोबेराइनर की वजह से हमको पता चला कि सच में एक पीरियड के बाद, डोबेराइनर के की वजह से हमको पता चला कि सच में एक पीरियड के बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करता है। न्यूलैंड से क्या फ़ायदा मिला, न्यूलैंड से हमको एक टेबल, अभी भी जो हमारा है उसमें 8 ये किया गया है, तो न्यूलैंड ने ये थोड़ा सा इसको, डोबेराइनर के ही चीज़ को न्यूलैंड ने थोड़ा सा क्लियर किया। एंड मेंडलीव तो भाई सबसे बेस्ट था, मेंडलीव बस एक ही गलती किया था मेंडलीव ने कि तो की उसने मोलर मास को यानी कि एटॉमिक मास को बेस मान लिया था, सो डैट यहाँ पे इसने गलती की थी। तो एडवांटेज क्या है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो हमारे बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। फिर ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मेंडलीव ही इसका आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में जब उसे पता चला था कि ये गलती हो गई है, मैंने तो मुझे तो मानना था एटॉमिक नंबर को मानना था बेस्ट, तो सो डैट मुझे लगता है इसका आंसर मेंडलीव ही होगा। बट अगर आपको इसका आंसर बिल्कुल कन्फर्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाएँ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, भैया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही है कि जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर का ये जो होता है
तो वही स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है जो एटॉमिक नंबर पे है, आप इसको बिल्कुल अगर उस तरह से किए हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस तरह का है, मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेटलेट लिख सकते हैं, आरबीसी लिख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी लिख सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं, कुछ भी आपने दो मेंशन किया हो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये सारे जो है क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं, कुछ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये करना है, ट्रेस करना है, बिल्कुल ये तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको जाके आप बुक में खोज लें आपको ऐसे ही मिल जाएगा। सो डैट और डिफरेंट टाइप्स इसके आंसर भी किए जा सकते हैं। सो मैंने इसका किया नहीं क्योंकि बहुत सारा निगेटिविटी आ जाता है कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया, सो डैट आप इसको जाकर बुक में मिला लें। एक्सक्रीशन क्या है, तो जो हमारा डाइजेशन के बाद जो बेस्टेज बचता है उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, इसमें तो भैया ये होगा न्यूरॉन, नेफ्रॉन होगा, किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है। अब एक जो ये क्वेश्चन है कि किसमें यूरिन फॉर्म होता है, ये इसमें भी एक बनाना है कि फिगर बनाना है तो फिगर आप बना लेंगे। फिर है कि किसमें यूरिन फॉर्म होता है, तो जिसमें यूरिन फॉर्म होता है वो है यूरेटर, जिसमें जाके कलेक्ट होता है वो है ब्लैडर, और जिसमें पास आउट होता है वो है हमारा यूरेथ्रा। सो डैट यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ओवरी ओविडक्ट और यूट्रस, ये जो तीनों है इसका क्या काम है, तो एवरी का काम है निषेचन करना, डैट मीन्स कि ये सेक्सुअल सेक्स के दौरान ये काम करता है एवरी हमारा, और ये ओविडक्ट जो है उससे हमारा स्पर्म अंदर जाता है, सो डैट स्पर्म को ये अंदर ले जाता है, और ये जो यूट्रस है उसमें जाके बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो तीनों का ये जो है, इसके अलावा इसके और भी वर्क्स हैं, तो सो डैट अगर आपने वो लिखा हो तो वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो फिगर का है, मैंने फिगर का आंसर बिल्कुल नहीं किया, फिगर का क्या आंसर करना, फिगर का आंसर कीजिए और फिर अपना उसका वर्क बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक स्टूडेंट है जो 3 मीटर के डिस्टेंस पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए वो अनेबल है, तो उसको कौन सा ये जो है जो डिफेक्ट है आई में, तो उसका होगा हाइपरमेट्रोपिया, और इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो डैट इसमें हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे इसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, सो डैट इसका तो बिल्कुल ईजी आंसर होगा, स्टार के ट्विंकल करने का कारण है कि स्टार जो है जो डिफरेंट लेयर्स का हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर का जो होता है, डिफरेंट लेयर का जो सैटुरेशन होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जब स्टार से चलता है लाइट तो हमारे आँख तक पहुंचने से पहले बहुत जगह कट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं, एक साथ एक बिग एंगल नहीं बना पाते हैं हमारे आँख में, और इसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया का काम है अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँख में कितना जाएगा उसको ये करना, आइरिस का वर्क है, यह हमारे आँख को कलर देता है, आइरिस इसका एक और वर्क है वो अगर आप लिखे होंगे तो बिल्कुल सही है। फिर ये जो लेंसेज है, लेंसेज का काम होता है एब्जॉर्ब करना लाइट को और बिल्कुल इसको मैग्नीफाई करके देखना, सिलियरी मसल्स का काम होता है, ये हमारा आई लेंस का ये जो फोकल लेंथ है उसको ये एडजस्ट करने में काम देता है, हमारे आई का एकोमोडेशन पावर ये करता है इस तरह से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये देखिए जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तो आप ये जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है डायरेक्ट है, फिर आपका ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का है ये सारी चीज़ें डायरेक्ट है, इसको आप जाके बुक में आप देखेंगे खोलेंगे वो चैप्टर और आपको मिल जाएगा, सो डैट इसका आंसर सिमिलर है सारा का सारा। सो डैट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी बेस्ट है कि आपको ए बी में आपका एल्युमिनियम है, ए में आपका कॉपर सल्फेट है, और बी में आयरन सल्फेट ए में और बी में कॉपर सल्फेट है, और उसके बाद फिर उसमें एल्युमिनियम डाल दिया गया है, और अदर दो ट्यूब्स हैं जिसमें एक सी में आपका दिया गया है एल्युमिनियम सल्फेट एंड डी में कॉपर सल्फेट, और उसके बाद उसमें आयरन डाला गया, तो किस किस का चेंज होगा आइए हम इसको बोर्ड पे देख के चलते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ए और बी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयरन और कॉपर दोनों से मोर रिएक्टिव है एल्युमिनियम, सो डैट एल्युमिनियम दोनों का कलर चेंज कर देगा। और नेक्स्ट जो दिया गया है सी डी, उसमें पहला एल्युमिनियम है, दूसरा है
कॉपर, तो कॉपर वाला चेंज होगा, क्योंकि जो आयरन हमारा दिया गया, आयरन का टुकड़ा कभी भी एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो डैट जो सी है उसका कलर वैसे ही रह जाएगा, बट डी का कलर चेंज हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी है कि डी जो है जो चेंज करेगा वहां से। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। ये जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप एब्जॉर्ब करेंगे जब आप सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन, जब आप सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसके लिए मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये जो है जो चेंज करके हमारा बेरियम सल्फेट प्लस Na2NaCl दे देगा। सो डैट और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बिल्कुल फिगर वाला क्वेश्चन है। सो डैट इसको स्किप किया जाता है, आप इसको बना के और बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि कैसा इसका होना है, क्या आंसर इसका सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके लिए मैंने बना के रखा है यहाँ पे दो, तो इससे आप क्या करेंगे, इसको आप रोक लेंगे। क्या क्या मैंने कैलकुलेशन किया है, भी का वैल्यू निकाल लिया, और भी का वैल्यू निकालने के बाद आप इसको रोक लेंगे वीडियो को और देख लेंगे। भी का निकालने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में रख दिया। इसका जो रेशियो पूछ रहा है वो 2:5 आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, भी और आई के बीच जब आप ये खींचोगे, भी और आई के बीच जब आप ग्राफ खींचोगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसके बाद आर का वैल्यू निकालने का रहा है। इसको आप बिल्कुल डीप में अगर बनाए हो तो पूरा स्टेपिंग करके तो बिल्कुल सही है, बट दो नंबर का ही है। सो डैट आर का वैल्यू निकालने के लिए हमने ओम्स लॉ लगाया, भी वाई आई 0.5, कोई भी एक वैल्यू वहां से आप ले लो। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ से कोई भी आप एक वैल्यू ले लो, और कोई भी एक वैल्यू लेने के बाद आप उसको ऊपर में भी के जगह और आई का वैल्यू नीचे डाल दो, आपको मिल गया 5 ओम इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आप लोग के लिए कारगर हो। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, और नेक्स्ट मैथ का भी सॉल्यूशन किया जाएगा, और उसके पहले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी मैं डिस्कस करूंगा। सो डैट हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, डैट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।